यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर में सीसामऊ विधानसभा अंतर्गत जीआईसी मैदान में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। सीएम के इस कार्यक्रम को आर्य नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी यानी सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने झुंझुना दिखाकर सीएम को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसके बाद भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने वीडियो जारी कर कहा कि अमिताभ वाजपेयी अपनी सरकार के काले कारनामों का मौजूदा सरकार की विकास की योजनाओं से तुलना करें तो सीएम को झुंझुना नहीं दिखाएंगे बल्कि धन्यवाद देंगे। गोविंद नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जनता को झुंझुना दिया है, 1 लाख रुपए का झूठा वादा किया, फॉर्म भरवा लिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को राय भी दे देंगे कि वह झुंझुना टाइप झूठ फैला वोट प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी झूठ फैला करके और इन लोगों ने वोट तो प्राप्त करने का एक असफल प्रयास कुछ क्षण के लिए कर लिया, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अब ना उनको 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है, जनता भटक रही है, इनके दरवाजे पे जा रही है, ये ना 1 लाख रुपए उनके खातों में डाल रहे हैं और खुलेआम इन लोगों ने ऐलान करके फार्म भरवा करके और इस प्रकार धोखा देने का काम मतदाताओं को किया है। इससे बड़ा झुंझुना मतदाताओं को ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या दे सकते हैं। ये अगर मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं कि झुंझुना, तो जरा सा रिकॉर्ड उठा करके देखें कि किस प्रकार से, मैं अमिताभ जी को भी ससम्मान ये बताना चाहता हूँ कि उठा करके रिकॉर्ड देखें कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के और अपने समय के उन काले कारनामों को निकाल करके अगर तुलना मात्र कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी भी मुख्यमंत्री जी को झुंझुने की जगह धन्यवाद देंगे और उनका उनको बधाई देंगे कि उन्होंने कानपुर के विकास के लिए इतनी सौगातें दी हैं। और समाजवादी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये राय वो दे देंगे कि आप अब ये झुंझुना टाइप लोगों को झूठ फैला करके वोट अब प्रभावित नहीं कर सकते। बता दें कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को सीएम के कार्यक्रम के दौरान हाउस अरेस्ट किया गया था। उन्होंने एडीसीपी अंकिता शर्मा के जरिए सीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने साथियों संग झुंझुना दिखाकर प्रदर्शन किया था। हमारा भी उनसे मिलने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने विकास की घोषणाएं जो करी हैं वो केवल 9 वार्डों की करी। हमने उनकी लिस्ट निकाली है, शीशा विधानसभा 15 वार्ड है और उन्होंने विकास की घोषणाएं केवल 9 वार्डों में करी। तो विकास अगर विधानसभा करना तो पूरी करना चाहिए, तो ये 6 वार्ड छोड़े क्यों है? ये जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली सरकार है, इसलिए उन्होंने 6 वार्ड छोड़ दिए। इनको मालूम है ये 6 वार्डों वोट मांगने नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने छोड़े। इनको यदि करना होता काम तो 7 साल से ये मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से केंद्र सरकार है, 15 साल से नगर निगम सरकार, करना होता तो अब तक कर दिया होता। और 2 साल से लगभग उत्तान सोलंकी जेल में है। शीशा विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, यदि इन्हें करने की सचमुच नहीं होती तो इन्होंने इन 2 साल में कर दिया होता। ये सारी बातों से ये तय है कि कोई इनको विकास करने की नहीं है, खाली भेदभाव करने की है और जनता को झुंझुना देने की। और जनता ये जानती है कि जो शिलान्यास चुनाव के समय किया जा रहा है तो वो अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी तो वो कोई काम मौके पर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम उनको झुंझुना बजा के बता रहे हैं कि हम लोग कानपुर के लोग हैं, इसलिए बेवकूफ़ नहीं है कि आर्थिक कामराजियों को समझ सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारा ज्ञापन जो कि बहुत ज्ञापन के जरिए उन्होंने सीएम को बताया था कि सीसामऊ में 15 वार्ड हैं और अफसरों ने आपसे 9 वार्डों के कामों का शिलान्यास कराया है। ज्ञापन में अमिताभ ने कहा, अगर उपचुनाव के मद्देनजर काम कराने पड़ रहे हैं तो स्पष्ट है कि अब तक कोई काम सीसामऊ में ही नहीं कराया गया। लाल इमली को 10 साल की मोदी सरकार चलवा नहीं पाई, अब सूबे की सरकार लाल इमली चलवाएगी। अमिताभ ने आगे कहा कि ये सभी दावे और वादे चुनावी पुड़ियां हैं, इसलिए ही झुंझुना दिखाया है। स्मार्ट सिटी से लेकर हर कार में घोटाले हुए हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।